was trying to tell me I'm a madman. So I'm heading packing back into my backpack. There ain't nothing that I want, I can't have. सर आपको कैसे थैंक्स कहूं मेरी समझ में नहीं आ रहा। अरे थैंक्स मुझे मत कहो, बल्कि तिरुपति जी से कहो। उनके दर्शन के लिए जा रहा था तभी आपको देख लिया और बचाने में कामयाब भी रहा। हरणी कहां गई? सर आपको एक बात बतानी थी। क्या? पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करेंगे, लेकिन आपकी वाइफ के बारे में। उसे कैसे जानते हो तुम? जिस गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हुआ था उस गाड़ी में मैं भी था। गाड़ी हारने के पिताजी चला रहे थे, हॉस्पिटल ले जाने की हमने पूरी कोशिश की, लेकिन रास्ते में ही गाड़ी के अंदर उनकी जान चली गई थी। एक्सीडेंट के बाद 4 साल तक मैं चैन से सो नहीं पाया। मैं सोच रहा था कि उसके घर वालों को इन्फॉर्म कर दूं कि असल में क्या हुआ था। उसे बचाने की कोशिश की लेकिन हम बचा नहीं पाए। मुझ में हिम्मत नहीं थी। मैं अंदर से टूट गया था। अगर मैं माफी मांगू तो भी हाथ हिला सकते हो सर? हाथ हिला सकते हो या नहीं? पार्शियल पैरालिसिस, लगता है डोज कम है, मैंने ठीक से इंजेक्ट नहीं किया। कैसे गलतियां हो जाती हैं। सिर्फ 20 मिनट बचे हैं। पहले तुम्हारी बोलती बंद होगी, उसके बाद सांस रुक जाएगी और बिना ऑक्सीजन के हार्ट अटैक आ जाएगा। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगेगा। तुम्हारे ससुर जी के खाने में भी मैंने 30 ml मिलाया था। फर्स्ट टाइम है ना, इसलिए ये सब लग रहा है। मेरी बातों को सुनने से पहले ही वो वहीं पर टपक गए। अच्छा होता मेरे बारे में जानकर मर जाते हैं। वो तड़प तड़प कर मर रहे थे जो मैं खुशी से देख रहा था। तेरी ये मौत भी मैं लाइव देखना चाहता हूं। मैं और आयशा बेंगलुरु में रहते थे। जातिवाद की वजह से हमें बहुत परेशानी झेलनी पड़ी। शादी के बाद हमें दोनों के घर वालों को मनाने में पूरा 1 साल लग गया था और उसके बाद हनीमून। बहुत ही प्लान करने के बाद हम दोनों यहां आए थे। आयशा को हिल स्टेशंस पसंद नहीं थे, मैंने ही उसे यहां आने पे मजबूर किया। एक्सीडेंट के बाद मैं वापस गांव नहीं गया, यहीं पर छोटा सा क्लिनिक शुरू करके प्रैक्टिस शुरू की। तुम लोगों का पता लगाने के लिए बहुत तकलीफ उठाई। गाड़ी के बारे में जानने के लिए मैं एक्सपर्ट हो गया था। जब गाड़ी के ब्रेक जाम हुए थे तो जान बचने के 50-50 चांसेस थे। लेकिन जैसा मैंने प्लान बनाया था उसी तरह तू जिंदा बच गया। जहां मैंने आयशा को खोया वहीं पर तुझे पकड़ने का सुराग भी मिला और मैं सक्सेस हो गया। सिर्फ तेरी गाड़ी के टायर के निशान को रखकर तेरी गाड़ी का पता किया।
तेरे जैसी गाड़ी कई लोगों ने रखी थी। हेलो हेलो, हाँ नमस्ते भैया। हाँ नमस्ते नमस्ते, मेरा नाम आनंद है सर, एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। मिस्टर चार्ल्स। यस स्पीकिंग। सर मुझे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। टेल मी। एक एक को मैं चुन चुन कर ढूंढ रहा था कि कहीं से कोई सुराग मिल जाए। एक कार की डिटेल चाहिए सर। आप पूछिए क्या पूछना है। ओके सर, कुछ सवाल हैं उसका जवाब देंगे सर। हाँ, वो गाड़ी BMW थी। BMW 525D। ठीक है सर, ऐसी छानबीन करके वो गाड़ी फादर देव सगायन की है ये पता चलने तक 3 साल बीत गए थे। हाँ बोलो, थॉमस बोल रहा हूँ। तेरे ससुर की आवाज को जब मैंने सुना तब मुझे पता चला कि वो लोग तुम ही हो। वो पैसे तो दे रहा है ना, तो गाड़ी बेचने में तकलीफ क्या है। उस दिन मैंने फैसला किया, चाहे मेरी पूरी जिंदगी चली जाए, तुम लोग दुनिया के किसी भी कोने में जाकर छुपो, मैं तुम लोगों को ढूंढ लूंगा। मेरी आयशा की जान जिस तरह पल पल निकल रही थी उसी तरह तुम्हें भी तड़पना चाहता हूं। हर पाप की सजा मौत होती है। वैसे तूने मुझे पूरा सच बताया, सुनकर अच्छा लगा। रेस्ट इन पीस, यू आर अ गुड मैन, बट नॉट गुड इनफ। क्योंकि अगर तू अच्छा होता तो आयशा आज जिंदा होती। बाय जस्टिन। आयशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़कर मैं पूरी तरह टूट चुका था। उसकी शोल्डर की हड्डी टूट चुकी थी और तब मुझे बहुत दर्द हो रहा था और उस दर्द के बारे में मैं किसी को नहीं बता सकता। शी वॉज प्रेग्नेंट। तूने सिर्फ एक नहीं बल्कि 3-3 जाने ली हैं, तो उसकी सजा तो तुझे मिलनी चाहिए। हेलो। अरे क्या कर रहा है तू, कितनी देर से फोन लगा रहा हूं। चल जल्दी आ, जल्दी आ। शिवा सुनो, वहां देखो। चल 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 च